कैसे हो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं अक्षय से अक्षय फिर से तुलसी के फल फायदे के बारे में बात करूंगा। तो भाई लोग मेरे चैनल में सब्सक्राइब तो बनता है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले। और भाई लोग आपके लिए इतना वीडियो अच्छा बनाता हो तो लाइक भी करना ना भूले, क्योंकि आयुर्वेद टॉनिक में घर में उसको पूछते हैं, महालक्ष्मी का दर्जा देते हैं, रोज उसकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। तो वैज्ञानिकों आयुर्वेद की दृष्टि में कई लाभ देते हैं या किसी जड़ी बूटी में बनाने में आयुर्वेदिक वैदिक का भी सबसे बड़ा हाथ है। दोस्ताद से लेकर वैज्ञानिक और आयुर्वेद दृष्टि में महत्वपूर्ण देते हैं तुलसी। तो पहले इसका फ़ायदा जानने से पहले आपको लाइक करना है, लोग लाइक सब्सक्राइब करना, और इसमें ये लिखा है कमेंट बॉक्स कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक का बना सकूँ। तो भाई लोग पहला फायदा इसका है कि सर्दी में है बहुत ही खास है। सर्दी में कैसे खास है, अगर आपको सर्दी की हल्का भूखा है तो मिश्री काली मिर्च और तुलसी को पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पका लीजिए। उसका काढ़ा पीने से फायदा होता है। आप चाहे तो उसकी गुलियां भी बना सकते हैं और उसको गुलियां बना के भी खा सकते हैं। तो भाई लोग तुलसी या आपको सर्दी है क्या, आपको खांसी है क्या, आपको सर्दी या खांसी बार बार होती है जिसका बहुत मेडिसिन की लेकिन ठीक नहीं हो, तो आप हरदी मिर्च लीजिए और दो चार पत्ते की लीजिए और उसका काढ़ा बनाइए और अच्छे से पका लीजिए। तो दूसरा फायदा भाई लोग इसका ये कि सांस की दुर्गंध को दूर करता है। सांस की दुर्गंध जैसे कि मैं ब्रश करता हूँ लेकिन मेरे मुँह से बांस मारने लगती है। वो बांस को कैसे ठीक करें, वो जन्म तक बांस मारने की बीमारी चालू ही रहती है, लेकिन आप कैसे उसको ठीक करें। तो सांस की दुर्गंध दूर में तुलसी के पत्तों को काफ़ी फायदेमंद होते हैं और नेचुरल होने की वजह से वो साइड इफेक्ट नहीं करते। नहीं तो वो अगर आपके मुँह से बदबू आ रही है तो आप तुलसी के गंदे पत्तों को मिलाकर चबा लीजिए, उससे बांस मारना बंद हो जाएगी। आपके मुंह से बांस मारते हैं तो आप चार या पांच पत्ते अपने दांतों में लेके उसको चबा लीजिए और वो दुर्गंध जो मारना बंद हो जाएगी या बांस मारना बंद हो जाएगी। और दूसरा फायदा है भाई लोग चोट लगने को, क्या सुना आपने चोट लगने को, तो शुगर का अंग होता है या शुगर का पैर होता है, उस पर चोट लगने से ज़्यादा देर तक या ज़्यादा दिनों तक वो चोट ठीक नहीं हो पाती। वो चोट ठीक नहीं हो पाती क्योंकि आपका अंग शुगर का होता है या किसी का अंग ऐसा होता है कि लगने के बाद भी जल्दी से। तो अगर आपको कहीं चोट लगी है तो तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर लगाने से घाव कितना भी बड़ा हो वो जल्दी से या ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल घाव से पकने नहीं देता, नेट्रियम ऑक्साइड होता है जो घाव को या जख्म को पकने नहीं देता। तेल में मिलाकर भी आप उसे लगा सकते हैं भाई लोग। तुलसी लेना है उसका रस निकाल के आप तेल में उसको पका कर भी लगा सकते हैं, कितनी भी बड़ी जख्म क्यों ना हो आपकी ठीक हो जाएगी। इसका चौथा फायदा देखते हैं भाई लोग, चेहरे की चमक। मैं सब वीडियो पे चेहरे की चमक क्यों ज़्यादा रीजन हो या किसी की तरह गर्ल हो तो 150, 200 या 40 या 5,000 तक का मेकअप किट इस्तेमाल करते हैं और चेहरे में चमक जो है चमड़ी में चमक नहीं होती। तो भाई लोग आपके घर भी तुलसी तो उसका फ़ायदा चमक बढ़ाने में कैसे फ़ायदेमंद करता है। त्वचा संबंधी रोगों से तुलसी खासकर फायदेमंद हो, उसके इस्तेमाल से फिर मुहासे खत्म हो जाते हैं। आपको स्किन समस्या कोई भी हो जैसे मेरे स्किन में पिंपल्स आने लगते हैं या चोट है, जैसे पिंपल्स आके फूट जाते हैं और डाक तो उसमें वो कुछ वो बैक्टीरिया को ख़त्म करेंगे और आपके चेहरे को 100 साल तक चमकीली और कलरफुल बनाए रखेंगे। सबसे फायदा है उसका लास्ट का, इसका ये है कि कैंसर के इलाज में अब तक ये नहीं माना गया कि कैंसर में इलाज में इसका कोई इलाज होता है। तो भाई लोग कई शोधों ने तुलसी के बीज को कैंसर को इलाज में कारगर माना है। मेरे जैसे पूर्वज मेरे दादी माँ हो या मेरे कहते आ रहे हैं कि हम कैंसर में इसका यूज करके कैंसर को
भगा सकते, लेकिन वो ये नहीं कहता कि कैंसर इससे ठीक हो जाता है। तो भाई लोग बस इतना ही, और कुछ जानने के लिए चैनल पे बने रहिए, सतर्क रहिए और लाइक कीजिए और चैनल को नंबर वन बनाइए। किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ऐसे ही मेरे चैनल पे लाइक और शेयर करते रहिए।